इस वक्त हम बेलसंड प्रखंड के माची गांव में हैं और यहां की भी स्थिति दयनीय है। लगातार जो बाढ़ की त्रासदी है उससे लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पानी का जो बहाव था कल तक उसमें कमी आई है, लेकिन अभी तक जो यहां के लोग हैं वह बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं। यहां तक कि इनके परिजन जो बाहर रह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इनके जो परिजन बाहर हैं उससे बात नहीं हो पा रही है। इसके वजह से जो गांव का बिजली है वो कटा हुआ है, नेटवर्क की इशू आ रहा है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, और परिजन जो बाहर में हैं वो अपने यहाँ के जो परिजन हैं उससे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है हम जानते हैं स्थानीय लोगों से, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल की वजह से? प्रॉब्लम यही है जो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं बात नहीं हो पा रहा है, किसी से मदद भी चाह रहे हैं तो मदद भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम सोचे कोई मदद करे तो मदद भी नहीं कर पा रहा है। हम लोग का जीवन तो ऐसा हो गया है, समझे बेहाल है। इससे आगे हम क्या बोले, आगे उनको जो मर्जी होगा वो अपना करे। सरकारी सहायता कुछ मिला? सरकारी सहायता अभी तक कुछ नहीं मिला है। और डीएम साहब आए, मान गए, डीएम साहब भी आए हुए थे, हम लोग से भी पूछने नहीं आए है जो आप लोग का क्या स्थिति है, आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए है, क्या है ना, इसका कोई निवारण अभी तक नहीं। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। क्या स्थिति है वार्ड का, क्या स्थिति है? वार्ड का तो बेहद बुरा हाल है एकदम। मतलब पानी इतना ज्यादा है कि कल के अपेक्षा आज के डेट में पानी कम है, लेकिन यही है कि पानी के त्रासदी के अनुसार से हम लोग का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। नेट काम कर रहा है, न बिजली है। बिजली के बारे में हम लोग पता किए हैं तो बोल रहे हैं कि 8 से 10 दिन लगेगा। अब 10 दिन हम लोग बिना बिजली के रहेंगे, बिना नेटवर्क के रहेंगे, तो हम लोग का जो परिजन है जो बाहर रह रहे हैं, चाहे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाएगा, तो अगला वो बेचैन होगा, हम लोग तो बेचैन हो ही रहे हैं। गाँव का स्थिति ऐसा है कि हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं। जिसके पास राशन है चाहे नहीं है वो भी, जिसके पास है सो देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम शुभम हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरनेट और बिजली के कारण जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या समस्या आ रही है। लोगों से आपसे बात कराए हैं, लोगों ने आपको समस्या भी बताया है। भरत चौबे, न्यूज 18 लोकल, सीतामढ़ी।